फर्स्ट थिंग जो कि सामने वाला आपको बिना कुछ बोले नॉन वर्बली जज कर लेता है कि आप हैं किस तरीके के। और उसी तरीके से आपके जैसे आप कैबिन में एंटर करते हैं या फिर किसी से मिलने जाते हैं, जो फर्स्ट आपका इंप्रेशन होता है वही समझ लीजिए एक की होता है उसको जज करने का। ऑब्वियसली दिस इज इंडिया, सब एक दूसरे को देखते ही जज करते हैं, पहनावे से, बोलने के ढंग से, दिखने से। किसी ने टैटू बनवाया है, किसी के बाल ऐसे हैं तो ऑब्वियसली उसने टैटू बनवाया, उस बात पे जज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस इज द मेन की। सो फर्स्ट थिंग पे अगर हम चले सो बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, वट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, एनी वन? आपको जो भी समझ में आ रहा है जस्ट पार्टिसिपेट, जितना आप बोलेंगे जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे ये समझ लीजिए उतना आज का सेशन हमारा बहुत फ्रूटफुल रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स मींस बात करने का ढंग, वेरी नाइस, एक साथ मिलकर करना, ओके, संवाद करना, यस, बहुत बढ़िया, थोड़ा अच्छी तरह से बोलना। जैसे हम किसी से थोड़ा डर के बोलते हैं या फिर मतलब हिचकिचाहट होती है अंदर, आप भी बताइए मैम आपके हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? पता नहीं। देखिए अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सबसे मैं पहली बार मिल रही हूँ, है ना, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, टू मेक यू कम्फर्टेबल इन दिस स्पेस, कि आप ऐसा ना हो कि सिर्फ क्लासरूम की तरह बैठे हो, सुन रहे हो, मजा नहीं आ रहा, बोरिंग चल रहा है सब कुछ, तो सामने वाला भी आपको वैसे ही जज करेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपको कंफर्टेबल स्पेस बनाना है। कंफर्टेबल स्पेस किसके लिए बनाना है, दोनों के लिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, घबराए हुए होंगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट फील कि आप जल्दी से चीजों को बोले, और जो सामने वाला नहीं होगा वो भी ऑब्वियसली बोरिंग फील करेगा उस टाइम। दूसरे नंबर पे चलते हैं, सेकेंड थिंग इज इंग्लिश। यहाँ पे आके थोड़ी सी बात बदल जाती है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो चीजें सामने वाले के आगे ऐसा हो जाता है, ओ भारी भारी वेलकम वर्ड्स, इंग्लिश फ्लुएंसी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है बात। क्या इंग्लिश सीखना मुश्किल है अब आज के टाइम पे, पहले के बारे में छोड़ दीजिए, आज के टाइम पे इंग्लिश सीखना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? फोन है सबके पास, ठीक है, बस कमी किस चीज की है, डेडिकेशन नहीं हमारे पास। हम एक डेढ़ घंटा टीवी सीरियल्स देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, यूट्यूब पे एक बार इंस्टाग्राम खोल लो आधा घंटा डेढ़ घंटा कब चला जाता पता नहीं लगता, लेकिन वही डेडिकेटेडली अगर हम एक वीडियो डेली चाहे 10 मिनट की ही हो, अलार्म लगा लो शाम को 7 बजे, शाम को 8 बजे, सुबह आप जल्दी उठते सुबह के टाइम पे 10 मिनट निकाल लीजिए, दैट्स इट, वही बहुत है। सो डेडिकेशन आपकी लगन होनी चाहिए, जब तक किसी भी काम में लगन नहीं है तब तक आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए कुछ भी नहीं हो सकता। थर्ड थिंग, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो इस चीज में आप ये भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं, डेली शाम को लाइव क्लास होती है, इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड मोस्ट वेलकम। जेसिका मेरा नाम है, तो जेसिकास क्लासरूम मेरा चैनल है, वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। उसके अलावा भी आप बहुत मतलब फोन पे तो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जिसपे आप सीख सकते हैं। सीखना कभी मत छोड़िए, ये मत सोचिए कि ओवरनाइट आप सब कुछ सीख लेंगे, आज हमने क्लास ली तो आप कुछ ऐसा बन जाएंगे, नहीं, यू हैव टू पुट योर एफर्ट, यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क, सब कुछ चीजें डाल के तब एक वो चीज मीनार तैयार होती है ना। हम कभी भी कोई भी बिल्डिंग तैयार करते हैं फर्स्ट फ्लोर पहले बना देते हैं, सबसे पहले नींव बनती है ना, नींव बनती है क्योंकि वो स्ट्रांग होने के लिए। तो कभी भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सबसे पहले फर्स्ट बना लो फिर सेकंड फिर उसके बाद नीचे से काम करें, काम ही हमेशा नीचे से शुरू होगा। अब वो नीचे से काम जब शुरू होगा जब आपको नॉर्मली दिखाना नहीं है कि काम चल रहा है, जो आप डेली कर रहे हैं वही कीजिए, बट बदलाव क्या आएगा, जस्ट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट का कुछ मतलब बदलाव मत लाइए अपने उसके अंदर, सिर्फ 10 मिनट का बदलाव होना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हैं कुछ अपने लिए सीख रहे हैं कुछ नया सीख रहे हैं। थर्ड थिंग इज आई कॉन्टैक्ट, किसी भी इंसान से बात करने के लिए अगर आप ऐसे बात करें कि डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, बस डेडिकेशन होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, मैंने आपसे देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं लग रहा आपके क्या इंप्रेशन है, आपको उस टाइम मोटिवेशन की किसी जोक की जरूरत है, नहीं नहीं पता लग रहा,
तो आई कॉन्टैक्ट आंख में देख के बात करने से क्या होगा, सामने वाले को पता लगेगा यू आर इनफ कॉन्फिडेंट, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल है। योर बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, दिस इज योर क्लोज बॉडी लैंग्वेज, इस तरीके से बात करना, इस तरीके से बात करना, खड़े होके बात कर रहे हैं इस तरीके से, कई लोग बोलते हैं बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ जी तो बताइए, ये सबसे पहली चीज डीमोटिवेटिंग है। दिस इज कॉल्ड क्लोज बॉडी जेस्चर्स, क्लोज बॉडी लैंग्वेज। कभी ऐसे ही नहीं करना, ऐसे ही नहीं बोलना, ठीक है। अब इसका ही अपोजिट क्या है, ओपन बॉडी जेस्चर्स, ओपन बॉडी लैंग्वेज। यू हैव टू शो योर पाम्स, ठीक है, यू हैव टू यूज योर हैंड्स, अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए ताकि बातों से बोर हो रहे, कम से कम ये तो लगे कि हाँ चलो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज, क्लोज बॉडी लैंग्वेज नहीं करना, ये नेगेटिव वाइब देती है। कोई भी आपकी बात तभी सुनेगा जब आपको ऐसा लगे कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा चल रहा है। किसी भी चीज के बारे में फर्स्ट आई कॉन्टेक्ट, सेकेंड थिंग योर बॉडी पोस्चर, जेस्चर जो भी आप यूज कर रहे हैं। क्लोज नहीं करना, बहुत नेगेटिव फील आता है, ऐसा लगता है जो सामने वाला बोल रहा है वही कॉन्फिडेंट नहीं है, वही अपने में घुमा हुआ है। तो एक स्ट्रैटेजी होती है पाम शो करना। पाम शो करने का क्या मतलब है कि आपने कुछ भी अपने माइंड में कुछ थॉट नहीं छुपा रखा, कुछ भी ऐसा नहीं है, यू आर ओपन माइंडेड। इससे ये पता लगता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप कितना अच्छा सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वहीं पे अगर आप ऐसे बैठे हैं, कितनी तेज आवाज निकाल लीजिए, कितना ही आंखों में आंखें डाल के देख लीजिए, कोई भी आपकी बात से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बनता है। गॉट इट? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ठीक है, देख नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आज के टाइम में जो अडल्ट हैं वो तो जानते ही हैं, अब जो थोड़े से प्रौढ़ आयु में आ गए हैं 30-40, उसमें क्या होता है, उनको कंपटीशन हो जाता है जो कि यंग एज के बच्चे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि दैट ये हमारा कंपटीशन है, हम इनसे थोड़ा सा लो हैं, तो आज की वो जानते हैं, आज के गैजेट्स के बारे में जानते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। बट आई एम वेरी प्राउड टू से मेरे फादर को मेरे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, मेरे ब्रदर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। हमें नहीं पता होगा नई चीज़ क्या आ रही है, लेकिन इनको पता होगा। क्यों? ही इज अप टू डेट टू एवरी टेक्नोलॉजी। अपने आप को न्यूज़पेपर समझिए कि मेरे को अपडेट करना है कि नया क्या आया है। कोई आपको बताए, आप उससे पहले हाँ हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, तो उसको भी कनेक्ट फील होगा कि अच्छा हाँ, फिर और बात बढ़ेगी, और कंफर्टेबल स्पेस होगा, ठीक है। इतना सा एफर्ट लगता है, सिर्फ इतना सा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये चीज़ कब हो गई, बट आपको दिमाग में रखना है कि कुछ नया सीखना है। ये ना हो कि सब कुछ ढर्रे की तरह चल रहा है, जैसे ज़िंदगी चल रही है, अरे कुछ चल ही नहीं रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, कितनी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं हो रहा। वो कुछ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप कुछ अपने तरीके से नहीं कर रहे। आप बढ़ोगे तभी तो आपका जो आपका सराउंडिंग है, आपका काम है, वो है ना। इसके साथ साथ एक चीज होती है, यू हैव टू राइट डाउन द थिंग्स। चीजें लिखना शुरू कीजिए, चीजें सुनना शुरू कीजिए, चीजें एक तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। ये तीनों चीजों का बहुत ज्यादा रोल होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, ठीक है। पढ़ने में व्हाट्सएप जोक्स भी आते हैं, ठीक है, पढ़ने में जो चीजें आप स्टेटस देखते हैं वो भी आती हैं। तो इन चीज़ों को जितना आप पढ़ेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, जितना आप एक तरीके से पॉजिटिव लेंगे, बहुत अच्छा होगा। किसी के साथ आप बैठे हैं, पॉलिटिक्स और रिलीजन, इन दो टॉपिक को थोड़ा अलग रख दीजिएगा। किसी से भी आप बात करते हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव प्लान और एनीथिंग, कुछ भी आप करते हैं, तो कुछ ऐसे क्रूशियल टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें छेड़ना ही नहीं है। कंफर्टेबल हो रहे हैं तो कंफर्टेबल इस तरीके से नहीं होना कि हमें उनको नेगेटिव देना है। नेगेटिव कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल और एनीथिंग, मैं बोलूँगी आज के स्कूल तो ऐसे हैं कि बस पूछिए मत, पढ़ाई नहीं होती, बच्चों के तो ट्यूशन लगवाने पड़ते। मैंने क्या दिया? नेगेटिव ओपिनियन दे दिया जाते ही, है ना। तो नेगेटिव ओपिनियन मतलब मैंने जाते ही बुरी बात कर दी, तो सामने वाले को क्या लगेगा? यही लगेगा कि नेगेटिविटी से शुरू हुई है, कुछ पॉजिटिव है। हमारे सराउंडिंग में बहुत नेगेटिविटी है, फोन, टीवी, हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव आप जरूर देखेंगे, बट आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो चीज आपके ऑरा में बहुत कम हो जाएगी। गॉट इट? ठीक, वेरी नाइस। जैसे कि मैम ने जो बताया है ना,
सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि देखो हम जो चीज़ सामने वाले को देंगे ना वही चीज़ रिटर्न बैक हमारे पास आएगी. Exactly. इसीलिए हमें उस सामने वाले को सिर्फ पॉजिटिव देना है. यार आज तो तेरा घर बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या है रिटर्न बैक में आपको क्या आएगा कि सर आप भी देखने में अच्छे लग रहे हो, आपका भी ऑफिस बहुत अच्छा है, आपका भी घर बहुत अच्छा है. जब आप अच्छी चीज़ सुनेंगे तो कौन मोटिवेट होएगा, हम खुद मोटिवेट होएंगे, क्योंकि अपने बारे में सुनना सबको अच्छा लगता है. सॉरी मैम मैंने आपको इंटरप्ट किया. इट्स टोटली फाइन, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस ड्रिल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलने आई हूँ, आप भी पार्टिसिपेशन करो. आप दो लाइन एक्स्ट्रा बोल के जाओगे मुझे अच्छा लगेगा कि आपने पार्टिसिपेशन किया. और आप अगर ये तो एक फैमिली समझ लीजिए, अगर आप परिवार में ही नहीं बोल पाएंगे तो आप किसी बाहर वाले के आगे कैसे बोल पाएंगे. सो मैं आप लोगों को नहीं जानती थी, मैं फर्स्ट टाइम मिली, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ ऐसा इंटोनेशन बनाने की कोशिश की कि ऐसा लगे कि हाँ हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं. तो आप भी इतनी कोशिश कीजिए कि आज तो चलो बाहर बोल ना बोलो, यहाँ पे तो दो सेंटेंस बोल के ही जाने हैं मैंने. इस टाइप का पॉजिटिव. प्लस जैसे सर ने बताया कि जो गिव एंड टेक का वो है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा. जैसे कर्मा होता है ना कि जितने आप अच्छे कर्म करेंगे बोलते हैं कि वैसा ही आपको मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे वैसे ही. तो जितने आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे माइंड में उतना ही आपको लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, उतना ही सामने वाले को लगेगा कि बंदा पॉजिटिव है. और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट रखेंगे तो यही लगेगा सेम कि नहीं नहीं अरे बहुत घूमते हैं बहुत बताते हैं. लेकिन उनको चाहे वो आपका प्लान सुने, चाहे आपकी मार्केटिंग स्किल्स देखें, इस फील्ड में नहीं किसी भी फील्ड में ले लीजिए, तो बस ये याद होगा नहीं नहीं ये इंसान मुझे मिला था, इसका एक पॉजिटिव वो था. चाहे वो आगे बात बढ़े ना लेंगे, लेकिन आपका एक इम्प्रेशन अगर आ गया तो नेक्स्ट टाइम भी कभी आप मिलेंगे या फिर कुछ भी बात होगी तो क्या होगा, उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा आपके लिए. कि अगर मैंने ऐसा भी नहीं लिया, मान लो आप मुझे कुछ सेल कर रहे हैं कुछ बेच रहे हैं, तो फिर मैंने नहीं लिया, वो नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि नहीं नहीं आप नहीं लिया तो चलो छोड़ो क्या इसको दिख रहा है. इट्स ओके, इट्स टोटली योर चॉइस. ठीक है, क्या हो सकता है नेक्स्ट टाइम, हो सकता है किसी और से इन्फ्लुएंस होके वो आए, वी डोंट नो. हमें नहीं पता कि भगवान की क्या मर्जी है और किस तरीके से वो घूम के हमारे पास आएगा. बट एक रूल जरूर है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपके पास आएगी. ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक लॉ होता है, द लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस, द लॉ ऑफ बोलिए पेइंग द प्राइस, द लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस मतलब लॉ मतलब कानून. ठीक है, एक तरीके से ये ब्रह्मांड का ही नियम है कि आपको कुछ भी चाहिए होता है उसको आपको कीमत चुकानी पड़ती है. अच्छी घड़ी चाहिए पैसे देने पड़ेंगे, रिंग चाहिए, शर्ट चाहिए, जूते चाहिए, सबका प्राइस आपने पे किया है. कुछ भी ऐसी चीज हुई है जो आपको मुफ्त में मिली हो, नहीं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये आपको किसी भी मुफ्त में मिल सकता है. इसका प्राइस क्या है, क्या है इसका प्राइस, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या चाहिए, क्या आपको देना पड़ेगा, टाइम, डेडिकेशन और 5 पॉइंट करने हमें फटाफट. टाइम, डेडिकेशन और कम्युनिकेशन तो चाहिए हमें. हर रोज कुछ नया सीखना है मैडम. ओके, रोज कुछ मतलब न्यू बोलना, जो वो मतलब जैसे हम हार्ड वर्क लगा लें इसको, मेहनत, या आप डेली कुछ कुछ करेंगे. और टू मोर थिंग्स, मिलेगा नहीं है अगर हम इसको यहाँ पे पूरा नहीं करेंगे तो. टाइम हो गया, डेडिकेशन हो गया, हार्डवर्क हो गया, पॉजिटिविटी, इतनी देर से पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहे हैं, है ना. लास्ट लर्निंग का होगा, सीखना, लर्निंग इज वेरी मेजर. ठीक है, सो अपने अंदर ये 5 चीजें गिनती की ले आइए और आपका ये वाला जो अचीवमेंट है वो टोटली हो जाएगा सिंपल. अगर आप ये 5 चीजें देंगे ये आपको बहुत ईजीली मिल जाएगी. सर वही गिव एंड टेक वाला मामला है. सबसे इम्पोर्टेंट कि आज और अभी से इसको मैडम ने जो समझाया है ना उसको आज और अभी से इसी टाइम से उसको यूज करना. और मैडम आपको चेक करेंगे आप सबको कि आपने जो बातें बोल तो थी क्या वो मैडम को रिप्लाई में जा रही है वो सब चीजें. तो अभी ये कम्युनिकेशन स्किल मैडम जज कर देंगे आपने कितना सीखा अभी तक. डेफिनेटली, ठीक है, कोई भी चीज आप सीखते हैं वो चीज कितनी सीखी टेस्ट से ही पता लगता है. जब तक आप अपने आप को आजमाएंगे, सीख ली, क्लास ले लिया, सुन लिया, वीडियो देख लिया, सब कुछ सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, दिमाग में बिठा भी लिया, वो चीज़ आपके दिमाग में कितनी है वो सिर्फ किससे पता लगेगी, जब आप वो चीज़ करेंगे तभी पता लगेगी 10% आई के 90% आई. ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. दूसरी चीज़ पार्टिसिपेशन. कोई भी दिमाग में सवाल होता है
हाथ ऊपर नहीं जाता, कितनी बार भी हाँ हाँ सब समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन नो, कोई क्वेश्चन नहीं है. दिस इज द मेजर थिंग कि आप नहीं सीख पाते. जब पहली बार मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया था तो हाथ ऊपर था और दिमाग डाउन था. यानी ऐसा होता है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता. जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तब ऐसा होता था कि टीचर बोले सब कुछ समझ में आया, हाँ मैम आ गया, चाहे नहीं आ रहा हूँ कुछ भी समझ में, बट उस टाइम पे क्या हाथ उठाइए. एक बार होगा, दस बार होगा, दस बार तो दिमाग डाउन नहीं होगा ना, ग्यारहवीं बार तो बोलेगा ना दिमाग में क्या क्वेश्चन था हमारे दिमाग में. वो दस बार की हिम्मत करनी है आपको बस. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने हाथ ऊपर किया आपका क्वेश्चन गलत है नहीं बोल पाए टीचर या फिर सामने वाला इंसान, इट्स ओके नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं भूल गए, इट्स ओके, यही तो हो सकता है. ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. नेक्स्ट थिंग, इन सब चीजों से अलग एक चीज होती है कि वो चीज आपको खुद करनी पड़ेगी. अगर आपके अंदर खुद के अंदर डेडिकेशन है, चाहे मैं यहाँ पे बोलूँ सर, कोई भी आपको आके समझाए, अगर आपके अंदर वो बात नहीं है, आप अगर खुद सीखने की वो नहीं रखते तो नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ की बात है, सो जिम में मैंने एक बंदा देखा, बहुत हाई प्रोफाइल बंदा, उसका एक जो प्रोटीन शेकर होता है वो किसी ने पकड़ा हुआ है, तो और किसी जैसे टॉवल हो गया ये सब किसी ने ले रखी है, मतलब काफ़ी हाई प्रोफाइल. बट वहाँ पे सब था, सिक्योरिटी थी, सब कुछ था, लेकिन पुशअप उसको खुद ही मारने पड़े क्योंकि अल्टीमेटली वो गया इसीलिए था. ठीक है, चाहे उसके आसपास कितना भी कैसा भी ऑरा हो कि कोई भी आपकी मदद करे, आप कितने भी कामयाब हो जाए, किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, कुछ काम होते हैं जो कि दूसरा आपके लिए कर ही नहीं सकता, तो ये उन्हीं कामों में से एक है कि कोई भी आप, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ, चलने का काम आपका है. सो आई होप आज का सेशन आपके लिए थोड़ा फ्रूटफुल रहा हो. एंड यस, द मेन थिंग इज कि जैसे मैंने बताया कि अपना गोल सेट करने से पहले ये सेट कीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, आपका मेंटोर कौन है, ये आपके दिमाग में साफ होना चाहिए. आप उनकी क्या क्या क्वालिटीज ले सकते हो. कोई भी चीज़ मुझे ठीक करनी है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि खराब क्या है ना. ऑब्वियसली बात है कि कोई चीज़ ठीक करने के लिए जानना पड़ेगा कि मेरे अंदर कमियां क्या है, खराब क्या है. उन चीज़ों को एक एक करके सॉर्ट कीजिए. कन्फ्यूज मत होइए कि आज ही सब कुछ कर लूँ, आज ही सब कुछ हो जाए. दिमाग में पांच चीज़ें लेके चलिए, ये आज मुझे ठीक करनी है. आज पांच चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी, दो चीज़ें ठीक करनी है. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बहुत ईजी होगा, कन्फ्यूजन से चलेंगे एक भी नहीं होगा. तो अपने माइंड में अपने गोल की क्लैरिटी रखनी है, क्या करना चाहते हो, कैसे इम्प्रूव करना चाहते हो, सब चीज़ों का क्लैरिटी आपके मन में होनी चाहिए. ऐसा नहीं हाँ जी करेंगे आज, कोशिश करेंगे, आज तो क्लास लिए कल से कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं. कोशिश यूज करने वाले शब्द जो होते हैं ना, जो लोग वो कोशिश ही करते रहते हैं सारी जिंदगी, तो इसीलिए करना है, कम होगा या ज्यादा होगा करना है, क्योंकि करके देखने से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और कोशिश करने से सिर्फ कोशिश ही होंगी, वो पॉजिटिव कभी नहीं हो पाएगा, रिजल्टिंग कभी नहीं हो पाएगा.